इलेवेंथ क्लास बायोलॉजी हम चैप्टर कर रहे थे मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अभी तक हमने इसमें डिस्कस किया था रूट चैप्टर को नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टेम 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 क्या होता है देखिए रूट्स मैंने बताया था ये मान लिया एम्ब्रियो है ये क्या है एम्ब्रो सीड का इसमें रेडिकल एंड प्लूमल रेडिकल से जो राइज होता है उसको मैंने क्या बोला था रूट्स प्लूमल पार्ट से जो ओरिजिनेट होता है वो क्या होती है स्टेम तो स्टेम क्या है ट इज इलोंगेटेड प्लूमल यानी कि प्लूमली की इलोंगेशन से जो पार्ट बनता है उसे क्या बोलते हैं स्टेम बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टेम बोलते हैं स्टेम की फीचर्स क्या होती है स्टेम्स जो होती है इसके पास नोड एंड इंटरनोड होते हैं ज नोड एंड इंटरनोड नोड क्या होता है जहां से लीव्स और ब्रांचेस क्या होती है अराइज होती है और इंटरनोड क्या होता है मान लिया ये एक स्टेम है ये इसकी क्या है नोड क्या है नोड ये नोड है ये भी क्या है नोड और दो नोड के बीच का हिस्सा जो होता है स्पेस बिटवीन टू नोड ये क्या है इंटरनोड ये क्या होती है इंटरनोड स्टेम के पास नोड और इंटरनोड होती है इसके अलावा स्टेम बियर लीव्स एंड फ्लावर स्टेम के ऊपर क्या होते हैं लीव्स लगे होते हैं फ्लावर लगे होते हैं ब्रांचिंग स्टेम से क्या निकलती है शाखाएं निकलती है ताकि प्लांट सप्रेड हो उसके और उसको उचित मात्रा में लाइट क्या हो उसके प्राप्त हो उसके बड़ तो स्टेम है क्या बट स्टेम के ऊपर क्या होते हैं बड होते हैं इसके अलावा स्टेम जो होती है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मीन्स हमेशा ऊपर की तरफ क्या करती है ग्रो करती है ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी स्टेम की किसकी स्टेम की कैरेक्ट्रिस्टिक है अब हमारे पास जो मैन आता है वो आता है बड़ बड़ क्या है स्टेम क्या है प्लांट का वो पार्ट जो प्लूमल राइज होता है ऊपर की तरफ इलोंगेट करता है उसे क्या बोलते हैं स्टेम स्टेम के पास नोड इंटर नोड होते हैं स्टेम के ऊपर ब्रांचिंग होती है स्टेम के पास लीव्स एंड फ्लावर होते हैं स्टेम के ऊपर बर्ड होते हैं स्टेम जो होती है वो क्या होती है पोजिटली करती है ग्रो करती है अब बर्ड ये बर्ड क्या है ये होता है एमेच्योर कॉम्पैक्ट सूट इमेच्योर कॉम्पैक्ट सूट इसे क्या बोलते हैं बड़ क्या बोलते हैं बड़ अब परचेस के हिसाब से स्टेम के ऊपर इनकी पोजीशन क्या होगी इनसे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा इस प्रकार से बड़ की काफी सारी टाइप होती है क्या होती है काफी सारी टाइप्स होती है फर्स्ट है वेजिटेटिव बड़ वेजिटेटिव बर्ड किसे कहते हैं जो क्या बनाता हो जो लीफी सूट का निर्माण करता हो किसका लीफी सूट विच प्रोड्यूस लीफी सूट यानी कि इसमें लिफ्स वगैरह निकलते हैं. ठीक है लिफी सूट निकलते उसे क्या बोला जाता है वेजनेटी बर्ड एक होता है फ्लोरल बर्ड क्या होता है फ्लोरल बर्ड होता है फ्लोरल बर्ड किसे के बोलते हैं जो क्या प्रोड्यूस करता है फ्लावर प्रोड्यूस करता है क्या करता है फ्लावर विच फॉर्म फ्लावर जहां से फ्लावर निकलते उसे क्या बोला जाता है फ्लोरल बर्ड बोला जाता है इसके अलावा क्या होते हैं लैटरल बर्ड कुछ होते हैं मिक्स बर्ड मिक्स बर्ड किसे कहते हैं जो लिपी सूट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और फ्लावर में भी यानी कि हम कह सकते हैं विच फॉर्म फ्लावर आइदर फ्लावर और लिफी शूट। जो दोनों में प्रोड्यूस हो सकता है उसे क्या बोलते हैं मिक्स बर्ड द वेरी इंपॉर्टेंट बर्ड ये तीन है इसके बाद आता है एक्सिलरी बर्ड अब पोजिशन के हिसाब से एक्सिलरी बर्ड कौन से होते हैं जो कहां मौजूद होते हैं लीफ पे मान लिया ये लीफ है यहां पे जो मौजूद होते हैं उसे क्या बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड ये क्या है एक्सिलरी बर्ड है सेकंड होते हैं एक्सेसरी बर्ड एक्सेसरी बर्ड का मतलब क्या होता है एक्सिल के अलावा एक्सिल के ऊपर जो कहां पे मौजूद होते हैं एडिशनल बर्ड होते हैं या तो इसके ऊपर या इसके इस साइड में ठीक है यानी कि साइड ऑफ एक्सरी बर्ड जो एक्सरी बर्ड के साइड में होते ऊपर होते क्या उसके 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 बोला जाता है एक्सेसरी बर्ड कुछ होते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी क्या होते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी जो कहां पे होते हैं ऑन द नोड किसके ऊपर होते हैं नोड के ऊपर होते हैं बट आउटसाइड लीप बेस यानी कि इस तरफ हो सकते हैं लीप बेस के ऊपर नहीं होने चाहिए और नोड के ऊपर प्रेजेंट होने चाहिए नोड के ऊपर भी होने चाहिए और लीप बेस से साइड में भी होने चाहिए उसे क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी इसके बाद आते हैं एडवेंटेज बर्ड ते हैं एडवेंटिस बर्ड एडवेंटिस बर्ड कौन से होते हैं अदर देन नोड नोड के अलावा जो भी जहां मौजूद होते हैं, उसे क्या बोलते हैं एडवेंटिस बर्ड क्या बोलते हैं एडवेंटिस बर्ड अब इसके आप काफी सारी टाइप्स सा है फोलियर बर्ड रेडिकल बर्ड क्योलिन बर्ड आगे एडवेंटिस बर्ड क्या होते हैं फोलियर बर्ड जिलीव प्रोड्यूस करता है और सेकंड है इसके रेडिकल बर्ड थर्ड है इसका क्योलिन बर्ड ये तीन क्या है एडवांटेज बर्ड है अब इस तरह लीफ के ऊपर जो बर्ड होते हैं उन्हें क्या बोला एग्जाम्पल उसका बरा फिल्म आपने सुना होगा लीव बर्ड से क्या होता है ये अपनी ओरिजिनेट करता है उसे फोलियर बर्ड बोला जाता है जो किसके ऊपर होते हैं पत्तों के ऊपर होते हैं रेडिकल बर्ड का एग्जाम्पल है स्वीट पोटेटो रूट्स के ऊपर होते हैं एनक्योलिन बर्ड का एग्जाम्पल है जैक फ्रूट जो स्टेम के ऊपर होते हैं ये तीन एडिशनल बर्ड है या एडवेंटेज बर्ड इनको बोला जाता है यह था अभी तक हमारा टॉपिक बर्ड क्या था जो कॉम्पैक्ट सूट होता है इसको एम्ब्रोइनिक बोलते हैं एम्ब्रोइनिक सूट ही बोलते हैं क्या बोलते हैं एम्ब्रोइनिक कॉम्पैक्ट शूट एक नोट पॉइंट है कैबेज गोभी वो क्या माना जाता है लार्जेस्ट बड़ माना जाता है क्या माना जाता है लार्जेस्ट बड़ माना जाता है इसके बाद है स्टेम की टाइप्स ये था बेसिक पॉइंट अबाउट द स्टेम इसके बाद आती है स्टेम की टाइप अब स्टेम तीन प्रकार की होती है रिड्यूस हो सकती है सॉरी अंडरग्राउंड हो सकती है इरेक्ट हो सकती है एंड वीक हो सकती है नेक्स्ट टॉपिक अपना टाइप्स एंड मोडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड मोडिफिकेशन ऑफ oh. स्टेम सबसे पहले जो टाइप है स्टेम की वो है एरियल स्टेम एरियल स्टेम एरियल स्टेम का मतलब क्या है सिंपली एरियल का मतलब होता है अपो ग्राउंड जो क्या होती है अब वो ग्राउंड होती है ठीक है ग्राउंड के ऊपर होती इसे क्या बोला जाता है एरियल स्टेम। अब एरियल स्टेम जो होती है वो रिड्यूस भी हो सकती है इरेक्ट भी हो सकती है और वीक भी हो सकती है एरियल स्टेम आगे तीन टाइप्स में हो सकती है मे बी इरेक्ट जो अपने बलबूते पर खड़ी रहती है मे बी रिड्यूज मे बी वीक तो सबसे पहले स्टेम किसे कहते हैं? कौन सी होती है जो आपने प्लांट देखे होंगे जितने भी बड़े प्लांट है हायर प्लांट है नीम है पीपल है अमरूद है या जो भी है जो अपने बलबूते पे सीधे खड़े रह सकते हैं यानी कि इनके पास सफिशियंट मात्रा में विच स्टैंड इरेक्ट पहली बात तो विच कैन डेक्ट जो सीधी खड़ी रह सकती है इनके पास क्या होते हैं सफिशियंट मैकेनिकल टिश्यू कौन से पेन कैमा कॉलिन कैमा ये अपने नाइन टेंथ क्लास में पढ़े होंगे इनके पास ये क्या होते हैं सही मात्रा में डेवलप होते हैं इसलिए पे क्या रह सकती है सीधी खड़ी रह सकती है इसलिए इनको क्या बोलते हैं इरेक्सटैम एग्जाम्पल्स इरेक्सटैम के मैंगो है बम्बो है बांस ये क्या है इक्स्टैम सेकेंड जो अपनी टाइप थी वो क्या थी रेडियो स्टैम सेकेंड टाइप क्या है रेडियो स्टैम ये क्या होती है लाइक डिस्क ये क्या होती है डिस्क सेप होती है जो अपने आपने, आपने किए होंगे कुछ रूट्स के एग्जांपल किए थे आपने स्टोरेज रूट्स गाजर है मूली है वो वगैरह मान लिया ये गाजर है इसके ऊपर आपने देखा होगा ग्रीन कलर की इस तरह की होती है ये जो होती है ये जो होती है क्या होती है स्टैम क्या होती है रिड्यूस रेड्यूस्टैम यह क्या होती है कई कई बार ग्रीन कलर की भी होती है क्या होती ग्रीन की कलर की रिड्यूस स्टैम इसके एग्जाम्पल रिड्यूस स्टैप के रेडिस कैरेट टर्निप ज आर द एग्जाम्पल ऑफ रेड्यूस स्टैम तीसरे नंबर पे आती है अपनी वीक स्टैम यानी कि इसका उल्टा इसके पास मैकेनिकल टिश्यू इनसेफिशियंट होते हैं यानी कि मैकेनिकल टिश्यू फिशियंट होते हैं मतलब ये अपने बलबूते पे खड़ी नहीं रह सकती ये ग्राउंड के ऊपर क्या करती है सप्रेड करती है या इसको क्या चाहिए रिक्वायर सुपोर्ट इसको सपोर्ट की जरूरत होती है सीधा खड़े रहने के लिए उसे क्या बोलते हैं वीक स्टैम क्या बोलते हैं वीक स्टैम अब टेम जो अब जो वीक्स टैम है वो आगे दो टाइप की है ये वीक्स टैम जो है वो प्रोस्टेट भी हो सकती है मतलब जो जमीन पे फैले और सेकंड यह अपराइट भी हो सकती है अपराइट जो ऊपर की तरफ चढ़ती है आगे वीक्स टैम की काफी सारी टाइप्स है हम पढ़ेंगे वीक्स स्टेम को वीक्स स्टेम मान लिया फर्स्ट वीक स्टेम है करीब करना क्या होता है रेंगना क्या होता है रेंगना जो जमीन पर रेंगती है तो क्रीपर क्या होते हैं क्रीपन अर्थ जो जमीन पे क्या होती है स्प्रेड होती है उसे क्या बोलते हैं क्रीपर्स बोलते हैं और उसमें रूट्स होते हैं से राइज़ होते हैं फ्रॉम नोड इज फ्राउन नोट रूट राइज होते हैं नोड से अच्छा राइज होते उसे क्या बोलते हैं क्रिपर एग्जाम्पल है इसके क्रिपर के ग्रासिस स्ट्रॉबेरी ये किसके एग्जाम्पल है क्रिपर के एग्जाम्पल है सेकेंड जो वीक स्टेम है वो है ट्रेलर क्या है ट्रेलर ट्रेलर क्या खाती है इसकी यह भी सेम है लगभग क्रीप ऑन ग्राउंड यह भी ग्राउंड पे फैलती है बट इसमें उसमें क्या डिफरेंस है इसमें रूट्स जो होते हैं नोट अराइज फ्रॉम नोट इसमें जो रूट्स होते हैं वो नोट पेराइज नहीं होते अब ट्रेलर क्या की टाइप है ट्रेलर स्कीप आगे क्या है सब टाइप ट्रेलर क्या की टाइप है प्रोस्टेट डिकम्बेंट diffuse prostate का मतलब क्या होता है grow one side जो एक ही साइड में स्प्रेड होती है decompact जो स्प्रेड होके मुड़ जाती है and diffuse जो सभी जगह सेपरेट होती है उसे क्या बोलते हैं diffuse whats more prostate का मतलब है जो एक ही साइड में ग्रो करती है सेकंड decompact ग्रो करती कुछ देर तक फिर क्या हो जाती है टर्न ले जाती है and diffuse जो स्टार्टिंग से ही सभी दिशाओं में क्या करती है स्प्रेड करती है अब prostate का एग्जांपल है ट्राइबुलस इसका एग्जाम्पल है ट्राइबुलस सेकेंड डी का एग्जाम्पल है ट्राइडेक्स और थर्ड वन डिफ्यूज का एग्जाम्पल है यहां पे बोर हैविया These are the types of trailer.